हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कर्व फिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे जो कर्व फिटिंग होता है, इस पर दो टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फिटिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन और फिटिंग ऑफ द सेकंड डिग्री पैराबोला। और कुछ स्पेशल कर्व्स भी होते हैं लाइक ए प्लस बी पावर एक्स या ए एक्स पावर बी, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड डिग्री पैराबोला। सो यहाँ पे आपको कोई भी डेटा आपको दिया हुआ है लाइक एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, और वाई की वैल्यू दे रखी वाई वन वाई टू वाई एन, और आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फिट करना है या फिर सेकंड डिग्री फिट करना है। तो यहाँ पे जो मेथड यूज होता है उस मेथड को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से कैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ए प्लस बी एक्स होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ समेशन लगाना है, पर जब भी कांस्टेंट पे समेशन आता है तो वो एन हो जाता है एंड बी समेशन एक्स हो जाता है। लाइक जैसे मैं आपके सामने बोलूँ 5 5 5 ऐड हो रहा है, राइट। अगर मैं इस पे समेशन लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, राइट, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये ए समेशन एन, मतलब समेशन ये एन टाइम लग रहा है, राइट, तो ये एन ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, इस पूरी इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करिए, एक्स से। सो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देन आप समेशन लगाइए तो ये समेशन लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने एन नहीं लगाया, तो भैया ये कांस्टेंट था इसलिए एन आ रहा था, अब यहाँ इसके साथ वेरिएबल आ गया तो इस वेरिएबल के साथ समेशन लग जाएगा, क्लियर। सो आपको क्या करना है, आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए बोले तो आपको यहाँ पे समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन एक्स स्क्वायर, इन सब की वैल्यू डेटा से निकालनी है, उठा के रखनी है, देन यहाँ पे जो टू वेरिएबल में इक्वेशन आई उसको कैलकुलेटर से आप मोड में जाएंगे, मोड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे इक्वेशन आएगा, उसमें टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल होता है, तो टू वेरिएबल में जाके आप क्लिक करके एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके टू वेरिएबल से इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको मैन्युअली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे ये ए और बी की वैल्यू उठा के रखेंगे एंड देन इसका ये जो ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो सेकंड डिग्री पैराबोला है इसको हम किस तरह से हेल्प करते हैं, मतलब किस तरह से निकालते हैं। सो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है, दिस इज द सेकंड डिग्री पैराबोला। अब भैया मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी बोल दे ए एक्स प्लस बी, तो यार एक ही बात है, ठीक है। यहां पे कभी आपसे बोल दे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कंसेप्ट वही है, है ना, ए बी सी को सी ए बी कर दिया उसने, है ना, तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अगर यहां पे ये तीन वेरिएबल है भैया ए बी सी की वैल्यू निकालनी, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने तो यहां पे आपको तीन इक्वेशन चाहिए, क्लियर। सो तीन इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले मैंने वही बोला आपको क्या करना है, यहां पे समेशन लगाना है, ये कांस्टेंट है तो ये एन आ जाएगा, बी समेशन एक्स सी समेशन एक्स स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, समेशन लगा दीजिए, समेशन एक्स बी समेशन एक्स स्क्वायर सी समेशन एक्स क्यूब। नाउ फिर से एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स समेशन एक्स स्क्वायर बी समेशन एक्स क्यूब एंड सी समेशन एक्स पावर 4। और यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो उससे हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी और वो ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ स्टूडेंट, उससे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। सो देखिए आप फिट ए स्ट्रेट लाइन, कभी कभी एग्जाम में सीधा बोल देगा कि फिट ए स्ट्रेट लाइन, या कभी आपसे पूछेगा फिट अ कर्व दिस, तो वही बात स्ट्रेट लाइन फिट करना है ना। अब फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये एक्स दे रखा है और ये वाई दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 6 8, और वाई की वैल्यू आपको दे रखी 2.4 3 3.6 4 5 एंड 6। आपको जो फार्मूला अप्लाई करना है, इस फार्मूले में आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, एक तो समेशन एक्स चाहिए, एक समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, सब वैल्यू चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स मिलेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समेशन वाई मिलेगा। नाउ अभी हमें क्या चाहिए भैया, एक तो एक्स वाई भी चाहिए, है ना, तो क्या करो इसको x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7.38, है ना, और 3 3 9 108, है ना, तो 10.8 आ जाएगा, राइट। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, क्लियर है। नाउ अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक आपको चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना, तो यहाँ से इन सब को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स वाई। नाउ अब आपको चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 4 9
16, 36 और 64 और इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा समेशन x स्क्वायर। तो ये सब की जो वैल्यू है वो उठा के आप मैं सीधा रख रहा हूँ। सो इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 24, इन सबको ऐड करोगे तो ये भी आपके पास आएगा 24 और इसको आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 113.2 और इनको जब ऐड करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 130। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी, इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी, मतलब ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू उठा के हम क्या रखेंगे। तो मैं सीधा यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, है ना, इस पे, ठीक है। तो आपको ये दोनों सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमें इक्वेशन दे रखी, तो जहाँ पर एन है, पहली बात तो एन बता दूँ कितना है, 2, 4 और 6, मतलब टोटल 6 टर्म है ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 6 होगी, राइट। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखिए तो ये आएगा 6a, है ना, यहाँ 6a। नाउ समेशन x, समेशन x कितना बेटा, 24, तो ये आएगा प्लस का 24b इज इक्वल टू समेशन y, समेशन y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 24। नाउ अब क्या दे रखा आपको, a समेशन x, तो समेशन x कितना हमारे पास 24a प्लस b समेशन x स्क्वायर, सो समेशन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 130b इज इक्वल टू समेशन xy, समेशन xy हमारे पास कितना है, 113.2। सो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गई है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.9765 और b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.5059। देन आप इन दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ और यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 1.9765 प्लस 0.5059x। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो अगर जब भी आपको बोले कि आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन फिट करनी है तो आपको क्या करना है, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ आपको, है ना, हमारा जो फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन फिट करने का वो ये होता है, यहाँ पे हमें समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन वाई एक्स स्क्वायर, इन सब की वैल्यू चाहिए। तो जो भी डेटा दे रखा है उन सब डेटा से हम इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे और ये सब वैल्यू उठा के यहाँ 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 रखेंगे, एन कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ये से हमें ये दो इक्वेशन मिलेगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी और ये और बी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सेकंड डिग्री पैराबोला किस तरह से फिट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने इससे पहले जो आपको समझाया था कि स्ट्रेट लाइन को किस तरह से फिट करते हैं, नाउ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सेकंड डिग्री पैराबोला को किस तरह से फिट करते हैं। सो एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा एक तो ऐसा आता है कि फिट द सेकंड डिग्री पैराबोला फॉर द फॉलोइंग डेटा, है ना, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड, या कभी आपसे पूछेगी फिट अ कर्व ऑफ द फॉर्म दिस, तो बात बराबर है ना, या तो आपसे बोलेगा सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करो या फिर ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो दोनों एक ही चीज है ना, मैं अभी ये वाला करा रहा हूँ, वो वाला भी आप समझ लेना कैसे करना है, क्लियर है। सो आपको बताया था मैंने कि जो सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करते हैं उसके लिए ये हमारा सेकंड डिग्री पैराबोला का फार्मूला होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं समेशन दोनों तरफ लगाते हैं तो ये एन आ जाता है, बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन लगाते हैं, फिर पूरे को एक और बार एक्स से मल्टीप्लाई करके समेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें ए बी सी तीन वेरिएबल से तीन इक्वेशन चाहिए, इन तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमें समेशन वाई, समेशन एक्स, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स पावर फोर, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई, इन सब की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। सो मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई लिख लेते हैं, है ना, सो ये x दे रखा है और ये y दे रखा है ना, सो x दे रखा है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, है ना, मैं थोड़ा सा जगह यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ दे रखा 1, 1.8, 1.3, 2.5 एंड 6.3, है ना। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे तो समेशन x मिलेगा, इसको हम ऐड करेंगे तो समेशन y मिलेगा। नाउ अब आगे देखिए, है ना, क्या क्या जो जो चाहिए वो सब अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्लियर। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एक्स वाई, राइट, तो हम एक्स वाई निकाल लेते हैं, है ना। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25.2 आएगा। ना उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे x स्क्वायर y की वैल्यू निकालें, मतलब आपको इसको स्क्वायर करना और फिर इससे मल्टीप्लाई करना, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 4 into 1.3 दैट इज 5.2 आएगा। नाउ इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 9 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
22.5, देन इसको स्क्वायर करेंगे 16, और 16 को 6.3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 100.8. नाउ अब स्टूडेंट हमें चाहिए यहाँ पे x स्क्वायर, फिर हमें चाहिए x क्यूब, फिर हमें चाहिए x4, ये सब वैल्यू चाहिए, राइट? सो ये सब वैल्यू निकालेंगे, तो x स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा. नाउ इसका वापस क्यूब करेंगे, तो वैसे आप चाहो तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये भी 0 आएगा, नाउ 1 आएगा, ये आएगा आपके पास 8, ये आएगा आपके पास 27, देन ये आगा आपके पास 64. नाउ अब पार 4 निकालना है, 0, 1, ये आएगा 16, ये आएगा 81, एंड देन 64 4 जा, तो ये आएगा आपके पास 256. सो ये सब वैल्यूज आ गई. अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को सम करेंगे. तो सम किस तरह से करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे. सो देखिए आप, समेशन x की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले मैं समेशन x निकाल लूंगा, तो समेशन x मेरे पास यहाँ पे आएगा 10. नाउ अब मैं समेशन y निकालने वाला हूँ, सो समेशन y हमारे पास आएगा 12.9. कैलकुलेटर से आपको ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट. नाउ समेशन एक्स वाई हमारे पास आएगा, इन जबको जब इस हम सबको ऐड करेंगे तो 37.1. नाउ यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा समेशन एक्स स्क्वायर वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 130.3. नाउ अब यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट तो वो आपके पास आने वाला है 30. समेशन वाई स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 100, समेशन एक्स क्यूब, तो समेशन एक्स क्यूब आपके पास आने वाला है 100, और समेशन एक्स पावर 4 आपके पास आने वाला है 354. सो ये सब वैल्यूज आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, और ये सब वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, राइट? सो देखिए स्टूडेंट किस तरह से हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं. सो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है ना, समेशन एक्स, समेशन वाई, ये सब है ना. सबसे पहले एन, एन कितना है स्टूडेंट, 2, 4 और 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 5, है ना. तो ये यहाँ रखेंगे, सबसे पहले मैं ये इक्वेशन, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, n है, दैट इज ये आएगा आपके पास 5 है, प्लस b समेशन x, समेशन x हमारे पास 10 है, तो ये आएगा 10b, प्लस c समेशन x स्क्वायर. सो स्टूडेंट समेशन x स्क्वायर हमारे पास कितना है 100, तो सॉरी समेशन x स्क्वायर हमारे पास 30 है, तो ये आएगा 30c इज इक्वल टू समेशन y. सो समेशन y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12.9. नाउ सेकेंड इक्वेशन देखिए आप, a समेशन x, तो ये आएगा 10a, और ये आएगा 30b, प्लस c समेशन x क्यूब, समेशन x क्यूब की वैल्यू हमारे पास 100 है, सो ये 100c आएगा, देन समेशन xy की वैल्यू हमारे पास है 37.1. नाउ अब वापस क्या करेंगे, a x स्क्वायर, तो ये आएगा 30a प्लस 100b प्लस वो आएगा हमारे पास 354, c आएगा, देन यहाँ पे जो इक्वेशन x स्क्वायर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही स्टूडेंट, 130.3 आएगी. तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन मिलने वाली है. सो मुझे लगता है तीनों इक्वेशन हमारे पास सेम है, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. मैं आपको बता दूं, अगर आपको कैलकुलेटर आपके पास है और वो वहाँ पे आप मोड में जाइए, और मोड में जाने के बाद आप 99 जो एफएक्स है उसमें मोड में जाएंगे तो वहाँ EQN मिलेगा. EQN वहाँ पे 2 वेरिएबल भी होगा और 3 वेरिएबल भी होगा, तो आप यहाँ पे 3 वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वो पूछेगा x, a1, b1, c1 सबकी वैल्यू पूछेगा, तो a1, 5, a2 ये सब वैल्यू निकाल के वहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. सो देखिए स्टूडेंट यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.42, b की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 1.07, और c की वैल्यू आएगी हमारे पास 55. सो स्टूडेंट ये सब वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.42 प्लस माइनस का 1.07x प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5x2. सो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरे जो लेसन्स है या मेरा जो वीडियो है वो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ इनकी नोटिफिकेशन मिलते रहें. और कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सो दैट कि मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और मैं आपके सामने और भी अच्छे कंटेंट लेके आऊँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन. सो लास्ट वाली जो स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन के अंदर आप मेरे जो प्लेलिस्ट बनी हुई अलग अलग टॉपिक्स के, लाइक IIT-JAM है या फिर गेट पे या जो BSc और B.Tech वाले स्टूडेंट्स के लिए, सो आप यहाँ से मेरे सभी वीडियोज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट से. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन. थैंक यू.